यूं तो मेरी शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी होंगे। मैं उनके लिए एक अच्छी माँ, अपने खाविंद के लिए नेक और अताछवार बीवी भी बन जाऊंगी और मेरा घर होगा। जिंदगी की सारी खुशियां जो एक औरत चाहती है वो मुझे नसीब होगी। मगर कहीं पर मेरे अंदर, मेरे बहुत गहरे अंदर और मेरी कोख से भी दूर अंदर, जहां कहीं औरत की रूह रहती है, वहां तुम हमेशा मौजूद होगे। मगर मुसीबत यह है, आंसू सिर्फ आंसू ही हैं, पानी नहीं है। पानी से धरती में छुपा हुआ बीज फूट कर उभरता है, लेकिन आंसुओं से दिल का गम नहीं उभरता। वरना आज जगह जगह सता जमीन पर गम के पौधे उगते और चप्पे चप्पे पर इंसान के जुल्म की दुहाई देते। बकरी बड़ी बेवफा होती है औरत से भी बढ़के। मर्द का फैसला खारजी एतबार से ज्यादा सही होता है, औरत का नफ्सियाती एतबार से। उसने कहा, मैं अक्सर देखती हूं कि तमाम किताबों पर, हत्ता के फलसफे की किताबों पर भी किसी खूबसूरत औरत की तस्वीर होती है। अब अगर किसी किताब को औरत के सहारे के बगैर बेचा नहीं जा सकता तो ये अक्ल की बहुत बड़ी तोहीन है। अक्ल की तोहीन नहीं है, औरत की तौसीफ है। दरअसल औरत खुद एक तरह का फलसफा है, उस किताब को खोलकर वरक वरक पढ़ना चाहिए। हर औरत पहले भटक जाती है, फिर राह रास पर आ जाती है। कम अज कम मेरा तजुर्बा तो यही कहता है। औरत की फितरत में दो रुखी क्यों होती है? एक ही नजर से ये घाव भी पैदा करती है और उस पर फाहा भी रख देती है, दिल तड़पा देती है और तस्कीन भी पहुंचाती है। सितम भी उसको फपता है, करम भी उसके शायान है।